महज 9 सेकंड में ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगे सुपरटेक की ये ट्विन टावर। नोएडा के सेक्टर 53A में स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में बने ट्विन टावर को ध्वस्त करने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सब कुछ ठीक रहा तो विस्फोट के जरिए दोनों टावर महज 9 सेकंड में ध्वस्त हो जाएंगे। करीब 100 मीटर दूरी से रिमोट दबाकर इन्हें ध्वस्त किया जाएगा। ध्वस्तीकरण के बाद करीब 10 मिनट तक आसपास के 30 मीटर एरिया तक धूल उड़ेगी। धूल उड़ने से रोकने के लिए बड़े स्तर पर पानी से छिड़काव किया जाएगा। इस दौरान आसपास की 3 सोसाइटी के फ्लैट खरीदारों को करीब 5 घंटे तक बाहर रहना होगा। शाम तक लोग अपने फ्लैटों में वापस लौट सकेंगे। एडिफिस एजेंसी के हेड उत्कर्ष मेहता ने बताया कि ध्वस्तीकरण वाले दिन आसपास के फ्लैटों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी 100 करोड़ का बीमा योजना कराया जा रहा है। आपको बता दें, अभी टावर में विस्फोट लगाने के लिए काम चल रहा है। अभी तक 22 मई 2022 को टावर के ध्वस्तीकरण की योजना है। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया के दौरान करीब 30 मीटर तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वाहनों के लिए बंद रहेगा। ये देश में पहली बार होगा जब इतने ऊंचे टावर को ध्वस्त किया जाएगा। इनकी लंबाई 102 मीटर है। अधिकारियों का कहना है कि एक्सप्रेसवे तक विस्फोट के दौरान कोई भी निर्माण सामग्री नहीं पहुंचेगी, लेकिन एहतियात के तौर पर इसे बंद रखा जाएगा। इसकी वजह यह है कि ध्वस्तीकरण वाले दिन काफ़ी लोग इसको देखने के लिए उत्सुक होंगे। ऐसे में वो एक्सप्रेसवे टावर के सामने वाहनों को खड़ा कर सकते हैं, इससे सड़क हादसा हो सकता है। इन ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण से पहले एक बार ट्रायल ब्लास्ट होगा, उसके बाद फाइनल ध्वस्तीकरण 22 मई 2022 को होगा। इस ब्लास्ट में करीब 1 ट्रक कंक्रीट का इस्तेमाल होगा। अधिकारियों की माने तो 6 से 7 बार धमाके होंगे और 9 सेकंड में टावर गिरा दिए जाएंगे। पिछले 22 दिनों में ट्विन टावर में करीब 300 मजदूर अलग अलग तल पर तोड़फोड़ के काम में जुटे हुए हैं।